आजमगढ़ थाना बिलेरियागंज जयराजपुर से संदिग्ध परिस्थितियों में एक छात्र लापता। घर से मदरसे जाने के लिए निकला एक छात्र रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया, जिससे उसके परिजन काफी परेशान हैं। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर छात्र के पता लगाने की गुहार लगाई। बिलेरियागंज थाना क्षेत्र के जयराजपुर निवासी अब्दुल हकीम का 15 वर्षीय पोता शादाब पुत्र जैद अहमद 16 फरवरी को पढ़ने के लिए घर से मदरसे के लिए निकला, लेकिन घर नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों ने रिश्तेदारी व अन्य जगहों पर खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं लगने पर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद घर के फोन पर एक व्यक्ति ने फोन कर अपने को शहर कोतवाली क्षेत्र का बताया और बच्चे को अपने पास होने की बात कही। इसके बाद से दूसरा फोन नहीं आया, जिससे परेशान छात्र के दादा ने पोता का पता लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई, मिला उचित कार्रवाई का आश्वासन। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवार। क्या नाम है आपका? अब्दुल हकीम। कहाँ के रहने वाले हैं? जयराज थाना। जी, क्या मामला है, किस लिए आप भटक रहे हैं? मेरा बच्चा पढ़ रहा था, वो पढ़ने गया और गायब हो गया। कहाँ पढ़ रहा था? वो इधर ही गाँव ही में, इसको खड़ी के पास, वो जो है तालिमुल इस्लाम जयराज। कब से गायब है? उसी दिन से जो ये पता चला कि टेम्पू पर बैठा है, जगह तक जरूर गया होगा, उसके बाद फिर कोई पता नहीं। क्या उम्र है उसकी? उसकी 15-16 के लगभग है। किस क्लास में पढ़ा था? वो कुरान शरीफ जब कम लोगों को होता ना, हिफ्ज कर रहा था, भाईसवा पा रहा। कब से लापता है? थाने में एफआईआर दिया आपने? दिया है 16 दूर। पुलिस क्या कर रही है अब तक? पुलिस तो अभी तक कुछ नहीं है, हालांकि फोन भी हमारे यहाँ आया था कुछ लोगों का, उसको भी नोट करवाया मैंने, जो है क्राइम में दिया है। किस तरह का फोन आया था? वो यही कि जो है चौक पर पान पत्ती के पास जो है आपका लड़का घूम रहा था, हम 2 दिन से उसको दिए हैं, और जो है कुछ 4 नंबर से दिया था, 5 नंबर से दिया था, लेकिन 4 नंबर से जो है इंटरनेट का नंबर है, जो भी नंबर है प्लस कर दिया है। और उसके बाद फिर वही 2 बजे के बाद मुझे कोई बात नहीं। क्या लगता है, क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं हमारा बच्चा किसी हालत में मिल जाए, और उसके हाथ में जो फोन कर रहा है उसके हाथ है वो कौन लोग कर रहे हैं, किसने किया, कि पुलिस ने यहाँ दी थी या मेरे यहाँ दी थी। फिर उसके बाद 20 के बाद फिर तब से कोई फोन नहीं आया। तो पैसे की डिमांड नहीं की गई आपने? उसे तो नहीं किया था, शायद शुरू से नहीं किया था। तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? कुछ पता तो नहीं चला। क्या चाहते हैं आप? हम वो चाहते थे कि उसका नंबरवा जो है कम से कम निकल जाए, कौन है, कहाँ से चेक कर रहे हैं, हमारा बच्चा नहीं जाए। हाँ, बच्चा को कोई निकाला जाए तो कहाँ है।